दो चीज जो है जो आज वी आर मोर कंसर्न. पहले मेडिकल इतना एडवांस नहीं था, सो वी यूज टू हैव हैजा है या तो प्लेग है, जहां पे गांव से गांव बह जाते थे. वी यूज टू बी अ सॉलिड डेथ इन द ऑल विलेजेस अराउंड. तो ये डिजीज हुआ, लेकिन थैंक्स टू एडवांस टेक्नोलॉजी वी कम आउट ऑफ इट. बट टूडे वॉट वी आर गोइंग थ्रू इज अ लाइफ स्टाइल डिजीज. प्रॉपर केमिकल कारखाना है, हार्मोन का कारखाना है. इफ समथिंग सम स्ट्रेस सम डिप्रेशन समथिंग गोज रॉन्ग शी इज लाइक अप्स एंड डाउन. जगह पे कपड़ा नहीं रखा फिर भी ना हार्मोन चल जाता है. एंड द मेन कॉज इज योर स्ट्रेस एंड डिप्रेशन. बट इवन शी इज अ माइटी पावर. अष्टभुजा नारायणी, इसके लिए कहा गया शी कैन हैंडल द हाउस, शी कैन हैंडल द आउटसाइड ऑफ द हाउस ऑल्सो. शी इज लाइक माइटी पावर बट सब्जेक्ट टू हर हार्मोन्स आर बैलेंस. So we'll see the session where your concentration is going to be your happy hormones. अगर ये बराबर है तो वो lady को menstruation issue नहीं है, thyroid issue नहीं है, और genetically जो pass on होने वाला है, अनुवांशिक है, जो भी आने वाली पीढ़ी को जाने वाला है, that also will be sensible. You agree with me? Because if your mighty power, your आपका deepest स्तंभ mitochondria is perfect. Whatever you deliver, whatever you generate, will be a developing, will be more powerful than you. Yes? So we'll have a glance of it. कि ये क्यों जरूरी है? It is the need of the time that we need to have the awareness session. क्योंकि technology अपना काम कर रही है. Everything is doing fine. It is what is our contribution and what is the society contribution towards it. कोरोना में एक चीज देखने को मिली, इट इज नॉट अ सिंगल पर्सन, इट इज द एंटायर टीम विच इज कंसर्न फॉर द हेल्थ एंड वेलबींग एंड द वेलनेस ऑफ द सोसाइटी. वी अपील फॉर द सपोर्ट. डेफिनेटली इट्स रिक्वायर्स अ एंडलेस एंड मल्टीपल हैंड्स टू सपोर्ट द रिक्वायर्ड पीपल कम टू अस, बिकॉज मेनी ऑफ दोज आर रियली हैंड टू माउथ. Or they are unaware of the what is the procedure. We are the navigators for them. We are the counselors for them. We are the supporters for them. So you can be a micro supporter for them. Definitely I request you. Whatever. I mean, it is your wish and your decision. Whatever you can contribute towards it. Have you heard about this name? Jeff Bezos. कितने लोगों ने Jeff Bezos नाम सुना है? सबने सुना है? So, a round of applause for you. Because not all the time Jeff Bezos naam sunne ko mila, aise maine session mein nahi suna. Being a technology school, college, I think it is. Jeff Bezos, you know the picture of him? You've seen it? Usko dekha hai, aapne picture dekha hai? What he owns? Amazon, yeah. Iska multiple source of income hai. Even I do the sessions for this. मोटिवेशन. ये 27 सोर्स ऑफ इनकम है, उसमें से एमेजॉन ई कॉमर्स इज वन ऑफ दैट. व्हाट इज ई कॉमर्स? इट्स जब मैंने ना ये सेशंस लेनी को शुरू किए तब लोग हंसते थे. अवेयरनेस से क्या हो रहा है? आप क्या कर सकते हो, क्या मिला सकते हो अवेयरनेस से? दिस यू से इट इज व्हाट इट्स यूजलेस. आप अवेयरनेस से क्या कर सकते हो? इट्स अ पावर ऑफ इंफॉर्मेशन. Power of technology is Amazon. He is the richest man of the world. कारखाना किधर भी नहीं है इस बंदे का. ना ये manufacturing करता है, ना ये कुछ develop करता है, सिर्फ logistic, distribution system, and he is the richest man of the world. Information technology और उसका technology का use करके आज ये आप तक चीजें पहुंचा के awareness से richest हुआ है. And what is his 28th source of income is education. He wants to be the Mahaguru of the world. He wants to generate such a student, such a generation, which will be the powerful delivery towards the service of the nation and the world. वो चाहता है कि पूरा जग उसको एक महागुरु के नाम से सुने, समझे. इसलिए he is coming the education system where he is saying the power of the world. The power of the wisdom has to be understood.
सो इट इज अ पावर ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पावर ऑफ टेक्नोलॉजी अगर आप एक साथ जोड़ देते हो वी कैन बी अ रिचेस्ट पीपल. सो द सेमिनार इज गोइंग टू मेक अस अवेयरनेस और यहां से अगर कहीं फंस भी गए तो बाहर निकलने के लिए ज्यादा आसान होगा. इट्स अ स्मॉल ट्रिप विच आई एम गोइंग टू टेक यू, अ वेरी 15 टू 20 मिनट्स ट्रिप, बट इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर योर फैमिली, योर सोसाइटी एंड डेफिनेटली व्हाट वी आर गोइंग टू फेस आफ्टर 5G विल अराइव. आपको मालूम है 5G आने वाला है? कितने लोगों को पता है 5G आ ही गया है? एंड नॉट हाउ मेनी ऑफ यू आर हैविंग द 5G? हाउ मेनी? ऑलमोस्ट. या यू नो द साइड इफेक्ट्स ऑफ द 5G? यू अवेयर ऑफ इट? आप तीन चीजों में, दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स, अंग वस्त्र निवारा, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होगी, कितना भी कुछ भी हो उसमें थोड़ा चेंजेस होगा लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट नेसेसिटी इज गोइंग टू बी अन्न वस्त्र निवारा. उसमें भी अन्न में अगर आपको सेलिब्रिटी लाइफ जीना है तो यू हैव टू हैव अ गुड बाउल इन द मॉर्निंग अलॉन्ग विथ योर बेवरेज न्यूट्रिशन एंड इवन योर पर्सनल हाइजीन. तो यहां पर अगर सेलिब्रिटी दिखा जाए, इफ यू टेक अक्षय कुमार एज एन एग्जाम्पल, उनका सुबह का जो बाउल रहता है ब्रेकफास्ट का, वॉट इट कंटेंट्स, एक वेजिटेबल एक नेशन से आती है, दूसरा फ्रूट दूसरी नेशन से आता है और एक ऑयल सीड दूसरी नेशन से आता है. अ वेरी हेल्दी बाउल. कितने लोगों ने आज सुबह हेल्दी बाउल मतलब वो ब्रेकफास्ट किया? दैट ग्रीन दैट एल्कलाइन फूड बाउल किसने? वो छोड़ो, किसने पोहा उपमा खा के आए हैं डेली? क्या फ्यू ऑफ दोस भाकरी खा के आए हैं? या भाकरी नहीं खा के? ओके. सो बेसिकली वी डू द स्टार्ट, द थ्री रिक्वायरमेंट्स आर बेवरेज, योर न्यूट्रिशन एंड योर पर्सनल हाइजीन. द बेवरेज कंसर्न आपको रिचेस्ट वुमन ऑफ द इंडिया वालों में मिसेस अंबानी, सब जानते हैं नीता अंबानी मैडम को, सुबह का बेवरेज एक कप वो लेती है which is a detoxifier, which is an energy drink, the entire day contains with that one cup. कितने रुपए का आता है मालूम है उनका बेवरेज एक सुबह का कप? 3.5 lakh. राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एक कप. उनका जो बेवरेज सुबह का शुरू होता है वो 3.5 lakh का होता है because she know that beverage is very important. If your lipid profile you want it right, your liquid profile has to be perfect. मैं कुछ शायद कोई medical science वाला होता तो समझ जाएगा. If your liquid profile is perfect, your lipid profile will go perfect. तो जो beverage सुबह का शुरू करते हैं that has to be powerful. Your nutrition in the morning has to be powerful. So that is the one, lifestyle में contain होना बहुत जरूरी है. एंड पर्सनल हाइजीन डेफिनेटली. सुबह अगर शावर केमिकल शैम्पू से ले रहे हैं तो इट इज गोइंग टू बी अ केमिकल डे फॉर द एंटायर डे, इज गोइंग टू बी अ केमिकल वन. डॉक्टर संदीप बिट्टे इज ऑर्थोब्लास्टिक सर्जन एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ हिम वी आर डूइंग दिस सेशन. उन्होंने अभी तक बहुत सारे मातृत्व मतलब द लेडी फ्रॉम द हाउस विच इज एक्चुअली दीपस्तंभ है, माइटोकॉन्ड्रिया घर का एक स्पाइन है जिसको मजबूत रखने में सर्वाइव होने के लिए और यू नो टू हैव अ हेल्दी लॉन्गर एंड ब्यूटिफुल लाइफ उन्होंने सपोर्ट किया है. दो चॉइसेस रहते हैं व्हेन द लेडी कम्स टू हिम कि सिर्फ गांठ निकालनी है कि ब्रेस्ट एक्टिव करना है. सो इन दैट ही ऑलवेज हैज टेकन अ यू नो एक थोड़ा ज्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्ट के हिसाब से उन्होंने सिर्फ जिधर पॉसिबल है गांठ निकाल के प्रिजर्व द ब्रेस्ट. कितने लोगों को पता है कि ब्रेस्ट कैंसर इज जस्ट नॉट फॉर द लेडीज बट इट्स फॉर द जेंट्स ऑल्सो? एवरीवन इज अवेयर. या मैंने एक सेशन किया था वाड़ा आदिवासी ट्राइबल एरिया में, अबाउट 250 to 300 लेडीज वर देयर, नॉट अ सिंगल लेडी. सिर्फ भक्ति वेदांत की जो सर्विकल कैंसर की ओंको आई थी तो उन्होंने और उनके असिस्टेंट ने हाथ ऊपर किया, बाकी नॉट अ सिंगल लेडी सेड दैट जेंट्स को भी होता है ब्रेस्ट, जेंट्स को भी है. व्हाई आई एम डूइंग द सेशन टुडे इज बिकॉज पहले
सर के पास 200 पेशेंट आते थे तो उसमें सिर्फ 180 से 190 लेडीज थी, हार्डली 7-8-10 मैक्सिमम जेंट्स थे. बट इट इज अ रेशियो आउट ऑफ 200, 140 आर लेडीज एंड 60 आर जेंट्स. फॉर अ लेडी सर्वाइवल इज लिटिल बेटर क्योंकि थोड़ा मांसल भाग है, निकाल देंगे चलेगा. But for a gents, when he's at age of 23, when we are getting the patient of 23, 25, it is very difficult for that boy to remove the breast because it attacks his lung system faster. Jo bhi medical person hai, science wala hai, he would understand ki agar wo fail gaya, to immediately for that man, that boy, survival becomes very dicey, very difficult. Why we are here to understand जो हार्मोन है, जो जेनेटिक है, जो नेक्स्ट जनरेशन के पास जा रहा है, जो बॉयज के पास जा रहा है, सर्वाइवल रेट इज वेरी बैड ओवर देयर. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, डू द अवेयरनेस, टेल आर न्यू जनरेशन दिस इज नॉट ओनली फॉर द लेडीज, नॉट फॉर द फीमेल, बट येस इट इज टू द मेल ऑल्सो स्टार्टेड अफेक्टिंग. सो नॉट द ऑल नॉट्स आर नॉटिंग, आई वुड से it is 90-95% that could be muscle gaat ho sakti hai, doodh ki gaat ho sakti, anything what you say which is a toxin to your body, anything. But you should not neglect that, you should take a proper medical support with it. Ki jo cancerous ho sakti hai, nahi bhi hai, you need to wait, you need to cut off, you need to do the proper counseling, medical treatment leke hi aapko proceed karna hai. And it is a teamwork, एक आदमी का ये काम नहीं है. वे यू एक्चुअली आई थिंक जो आपके अभी जो जितने लोग नहीं आए, यू कैन डेफिनेटली टेल अबाउट दीज थिंग्स टू देम, यू कैन शेयर विद देम. इट इज अ टीम वर्क, वी नीड टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट बिकॉज एज पर WHO वेरी सुन अर्लियर डायबिटीज इतना स्प्रेड ऑफ नहीं था. आज एक घर दो घर छोड़ के डायबिटीज इज स्प्रेड. इन 2025-2030 वी मे हैव दिस लाइक कि ब्रेस्ट कैंसर एक घर छोड़ के दो घर छोड़ के हो सकता है. देर आर 250 कैंसर, ऑलमोस्ट एक लगभग 250 के कैंसर टाइप्स ऑफ कैंसर देखे तो उसमें सबसे नॉमिनल जो ट्रीटमेंट से ठीक हो सकता है वैसा कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर. इट्स अ वेरी नॉमिनल वन विच इज लाइक रेकग्नाइज अर्ली स्टेज, डिटेक्टेड अर्ली स्टेज, यू कैन कम आउट ऑफ इट फास्टर. बट दैट इज द कैंसर विच इज टेकिंग मैक्सिमम डेथ्स. तो इट इज अवेयरनेस विच नीड्स टू चेंज दिस सर्वाइवल रेट, जो अब्रॉड में 97-98% है एंड हियर इन इंडिया वी हैव 66-67% सर्वाइवल है, जो हमको रेज करना बहुत जरूरी है. टूडेज वुमन इज अ सुपर वुमन, अष्टभुजा नारायणी कहते. मतलब एक काम छोड़ गया, घर में बैठे हैं तो ऑफिस का ध्यान है, या तो यू नो यू आर थिंकिंग अबाउट आवर चिल्ड्रन करियर, यू थिंकिंग अबाउट फ्यूचर एवरीथिंग. सो 10 काम एक साथ कर सकते, यस वी कैन डू इट. जैसे मोबाइल में आपको चार्जिंग की जरूरत है, वैसे आवर लाइफ स्टाइल हैज टू चेंज टू मेक आवरसेल्व्स मोर पावरफुल. एंड इधर अगर आपने प्रॉपर पावरफुल लाइफ स्टाइल नहीं जिया, इम्बैलेंस हुआ, तो डेफिनेटली दैट इम्बैलेंस इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट इन योर हार्मोन्स, इट्स गोइंग टू रिफ्लेक्ट योर पीरियड्स, आपका मेनोपॉज में दिखेगा एंड डेफिनेटली मे कल्टिवेट द अनरिक्वायर्ड डिसऑर्डर्स ऑफ द बॉडी. दीज आर द हाई अलर्ट्स. अर्ली बैकएक है, या तो मेनोपॉज का इश्यू है, डिप्रेशन है, ओबेसिटी है, एल्कोहलिक जो आज बढ़ता सेशन है. कॉर्पोरेट्स वी सी दैट अल्कोहल एंड द स्मोकिंग इज लाइक यू नो एक स्टाइल के हिसाब से, मॉडर्न स्टाइल लाइफ स्टाइल के हिसाब से देखा जाए, बट इट इज नॉट अ रिक्वायरमेंट. इट इज द ओनली थिंग दैट यू आर एक्सपेक्टिंग अ एनर्जी विच यू आर नॉट गेटिंग, बट यू आर ट्राइंग टू गेट इट फ्रॉम समवेयर एल्स एंड गेटिंग एडिक्टेड टू इट. अ सिंपल एग्जाम्पल आई वुड गिव, आई एम एन एक्स कॉर्पोरेट, और वहां पे जब हम 21-22 साल के थे तो आई वॉज ऑन सैटेलाइट सिस्टम. द टीम ऑफ 29 ऑफ अस, आई वॉज वर्किंग एज अ सैटेलाइट सिस्टम ऑपरेटर, 29 जनों का लेडीज ऑल गर्ल्स वी वर, उसमें से
27 were smoker. That time वीक की सिगरेट चलती थी. I don't know अगर जो 40s 50s के होंगे तो उनको पता होगा कि उस वक्त हमारे टाइम में मिंट सिगरेट चलती थी. तो माई ऑल कलीग्स यूज टू स्मोक विद द मिंट बैलेट पेयर में बाहर निकलते थे. वाई वी वर डूइंग बिकॉज सैटेलाइट में ना टेम्परेचर हमारा 16-17 रहता था बिकॉज ऑफ द हेवी मशीनरी. तो हर जैसे फ्रिज को हम डिफ्रॉस्ट करते हैं तो आई यूज टू गो आउट आफ्टर 1.5 to 2 hours खुद को डिफ्रॉस्ट करके मैं वापिस आती थी. 27 जन स्मोक करते थे मिंट बट इट इज सिगरेट. उसमें से एक साउथ इंडियन थी जो कॉफी पीती थी 1.5 to 2 hours कॉफी. एंड इवन आई यूज टू हैव एडिक्शन चाय का एडिक्शन था वो भी एडिक्शन है. अगर 2 hours में आप स्मोक करते हो आप चाय पीते हो कॉफी पीते हो इट इज अ टॉक्सिन जो यू आर गिविंग. मैं वी वर हार्डली 24-25 की थी मैं तब. अगर उस वक्त मैंने कंट्रोल नहीं किया होता तो आज ये जो मेरी लेडी जो 27 स्मोकर्स थी ना उसमें से बहुत सारी चली गई because of cancer, because of depression, because of stress. Because later on, even that smoking habit and the alcohol habit couldn't work there for them as an energy level. Because what they were expecting is a energy from that smoking and alcohol, which could deliver to them. So, ये जो scene है आज corporates में दिखाई दे रहा है. If you pass on see the corporates में main cities में देखोगे तो the young girls are doing that. So they get more prone for the cancer. अगर वो माँ के हिसाब से इफ शी ट्राइज इट इनफर्टाइल्स एंड शी डिलीवर्स ऑल्सो अ बेबी इट्स गोइंग टू हैव लिटिल डिसऑर्डर इन द बॉडी. सो वी नीड टू हैव अ डबल चेक ऑन दीज काइंड ऑफ थिंग. अर्ली बैकिंग इन द सेंस वेन यू आर अर्ली एज एंड वेन यू गेट अ बैकिंग बहुत पैर दर्द कर रहा है या तो बहुत बैकिंग हो रहा है इट इज अलार्म that there is some disturbance in your body. So, आपका body चाहता है कि आपको कुछ treatment की जरूरत है. With these things happen like backache है, कमर दुख रही है, पैर बहुत aching है, you must consult the doctor because sometimes like calcium deficiency हो सकती है, आपका D deficiency हो सकती है, या तो it's like alarm. The body gives a signal that there's something disturbance in the body. Yeah. If you see the ratio, earlier cervical cancer was a main challenge for us because of the personal hygiene. Lekin wahan se utkar hum bahar aa gaye. It has gone down. But if you see the ratio for the breast cancer, because of the stress, depression and the hormonal imbalance, it is going up. And especially the cities like the big cities of India, if you see the Mumbai, we've already crossed 35%. अगर आपने 100 लोग कैंसर के ले लिया अलग अलग कैंसर के तो उसमें से 35 लोग 35 पीपल पर्सन्स आर अफेक्टेड बिकॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल नॉमिनल कैंसर एंड वी नीड टू चेंज दिस चेंज. नारी सुखाए कुटुंब सुखाए वेरी इंपॉर्टेंट. मेल इज अ पार्ट ऑफ फीमेल. लड़का इज अ पार्ट ऑफ लड़की. And mulga is a part of mulgi. If you see our grammar is also given that. The generation next is depends on us. If you are powerful, you are healthy, if you are perfect, you can make a perfect generation. So it's a small trip, we'll take it up. Achha lagta hai tour ke liye? Chutti bitane ke liye achha lagta hai. Everyone likes to go for a plane. Yeah? Take off the game. But there's one rule in the flight. Everyone has flown? Yeah? Take off here someday? First, oxygen to yourself. And then, aaju-baaju mein dekho ki oxygen lagaya ke nahi. So, important is me first. Myself is very important. So, that knots are like not really naughty everywhere, but you need to be careful on them. First. You need not to get upset when you hear about it. If you see the ratio in US, America mein jo ratio hai, 8 mein se 1 aur UK mein United Kingdom, 12 mein se 1 are concerned for the, because of the risk of the hormone ya to lifestyle ki wajah se disturb hai. Lekin, if you see the India ratio, especially Grameen aur Shahri Bhag,
If you see the ratio in shahri urban areas, it's more because of that healthy lady, that super woman is handling ghar aur bahar. Aapko lagta hai ki aap jyada kaam kar rahe ho? If you really go a little back na, प्राचीन देखोगे ना महिला, she used to do her household work also. वो खेती बाड़ी में भी काम करती थी and by God grace they used to have 7 to 8 to 9 deliveries. हम second baby के लिए भी second opinion लेते, is it? So it is the only that is time. We are the precious is time. We are going very clockwise. So the rural area, still the lifestyle is little better. So they are not that affected, but urban lifestyle is disturbed. And more we are on a challenged lifestyle. So the awareness has to be done over here. Little lifestyle change has to be done over here. इनको कितने लोग जानते हैं? Anyone knows her? Angelina Jolie कौन है? किससे बात किया? Yeah. So you watch movie, huh? Kajol, she is an iron lady. We say she is very mighty lady. Even I like her, I admire her. Her mother had breast cancer, and when she had done her test, that genetically, अगर next कुछ हो सकता है क्या? So they found she may get it. May, may get it. Filthy rich, Hollywood actress, पैसे की कहीं कमी नहीं है. टेक्नोलॉजी की कंपनी नहीं है, हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, एवरीवन इज रेडी. लेकिन इज इट इजी टू एम्प्यूट योर ऑर्गन? इज इट इजी? एंड दैट योर ब्रेस्ट, दैट योर ओवरीज. लेकिन 6 बच्चों की माँ है. एज अ मदर टू बी पावरफुल शी एम्प्यूटेड हर ब्रेस्ट, ओवरीज निकाल दिए एंड शी ट्राइड टू प्रोटेक्ट हर. प्रिवेंशन इज रियल क्योर. Prevention is better than cure. Nahi. Prevention is real cure. Ampute करके उन्होंने खुद को protect किया. Can we do it? सिर्फ ये विचार करके कि let's not have it to avoid. नहीं होता, आसान नहीं है. Organ अपना निकाल के फेंकना, it's not easy. Though you have money, though you have a technology, though you have a counseling, but still it is very hard to impact. You know, it really impacts your character. The lifestyle is more concerned. If you see here, the highest ratio is a breast cancer, and we need to really control that. आज अगर control नहीं किया, तो 2030, we are 23 right now. Down the line 7 years, we will be having really disaster. जो ratio है, आपने देखा है, which may increase like drastically. We need to calm down with it. It's a teamwork. We'll work together. This is a small picture of how the breast is. We are blessed with the, you know, fluffy या तो मांसल है, लेकिन the genes are not. And your and my main concern is my next generation, my boys who are like 20 to 30 age. ब्रेस्ट राउंड नहीं है, इट इज नॉट लाइक अर्थ, गोलाकार सर्कल नहीं है. एवरीवन नोज अबाउट इट, द ब्रेस्ट इज लाइक अ धूमकेतु. आपका पूरा राउंड भाग और आर्मपिट तक, पूरा अंदर तक. मेनी ऑफ द लेडीज व्हेन दे कम फॉर द काउंसलिंग एंड फर्स्ट और द सेकंड स्टेज, दे सेड आई गेट माय स्क्रीनिंग एवरी मंथ, बट आई डोंट नो ऑल ऑफ अ सडन हाउ दिस इज कम. क्योंकि इन्होंने जो स्क्रीनिंग किया, फिजिकल चेक किया, वो सिर्फ सर्कल राउंड में किया. दे डिड डू इट टू द आर्मपिट, एंड आर्मपिट इज अ मोर कंसर्न थिंग. अगर आर्मपिट में अगर नॉट आती है या तो गार्ड होती है, तो दैट्स गेट स्प्रेड टू योर ब्लड. वो कनेक्ट रहती है बिकॉज ऑफ द योर मास. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर डूइंग द स्क्रीनिंग, व्हेन यू आर डूइंग द मेडिकल चेकअप. इट इज नॉट राउंड, ये धूमकेतु है. आपका आर्मपिट तक चेकअप होना बहुत जरूरी है. क्लियर? इवन फॉर द मेल एंड इवन फॉर द फीमेल. व्हाई इट इज? बिकॉज इफ यू सी दिस इज अ राइट ब्रेस्ट, द चांसेस ऑफ गेटिंग द नॉट इज एट द आर्मपिट साइड.
एंड इट इज वन ऑफ द रिस्की नॉट. अगर वो कैंसरियस हुई तो वो थर्ड स्टेज जाती है फास्टर, बिकॉज दे गेट फीडिंग फास्टर, तो उसका जो ग्रोथ है वो फास्टर होगा, और वहां पे आई तो बचने के रास्ते थोड़े कम हो जाते. सो वी नीड टू स्टे अलर्ट. इट इज नॉट अ सर्कल, इट इज अ धूमकेतु. ये धूमकेतु के हिसाब से आपको चेक करना बहुत जरूरी है. व्हाई दिस इज हैपनिंग, इट्स अगेन इट इज अ लाइफस्टाइल, योर हार्मोन्स, योर मेनिस्ट्रेशन, योर ओबेसिटी, योर डायट, एंड उसमें से भी ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो पीपल फैमिली कंट्रोल के लिए यूज करते हैं. या तो कहीं पिकनिक में जाना है तो पीरियड्स पोस्टपोन के लिए 2 दिन की टैबलेट लेते हैं, 3 दिन की टैबलेट लेते हैं. अगेन यू आर गोइंग ऑपोजिट टू द नेचर. एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. या वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल, वी आर ट्राइंग टू डिस्टर्ब द नेचर, एंड वी आर ट्राइंग टू मेक दैट अकॉर्डिंगली. जिस किसी ने भी एक बार भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लिए है ना, द हार्मोन्स आर डिस्टर्ब. तो वी नीड टू रियली अवॉइड गोइंग थ्रू द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो भी खा रहे हैं. सो वी नीड टू रियली इमीडिएटली स्टॉप दैट, अंडरस्टैंड इट डिस्टर्ब्स हार्मोन. आपका नेचुरल जो प्रोसेस है उसको पूरा डिस्टर्ब कर रहा है. योर ओबेसिटी डेफिनेटली जस्ट गो. कितने लोग फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं? नॉट आफ्टर डॉक्टर हैज सेड की गो फॉर अ वॉक. शिवाजी पार्कला माझ्याकडे ते अळवावरचं पाणी असतं ना, यू अंडरस्टँड. अगर डॉक्टर ने बोला ना ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है या तो डायबिटीज बढ़ गया है, सो 15 डेज आई सी सम पीपल कमिंग टू शिवाजी पार्क डूइंग द वॉकिंग. 16वें दिन में गए ना तो समझ जाने का कि ओनली बिकॉज द डॉक्टर हैज सेड कम फॉर द वॉक. वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, द बेस्ट. अगर डॉक्टर को डॉक्टर ने बोलने के बाद आप जा रहे हो, इट इज अ डिफरेंट थिंग. ये मजबूरी है. लेकिन मजबूती के लिए जा रहे हो तो बिफोर डॉक्टर टेल्स यू गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ वॉक. क्लियर? फिजिकल एक्टिविटीज, देर इज नो बटन फॉर इट, देर इज नथिंग. यू हैव टू हैव द फिजिकल एक्टिविटीज. आपको डाइजेशन के लिए, आप लाइफस्टाइल के लिए आपको यूज करना ही है. नेक्स्ट, स्मोकिंग एज मच एज यू कैन अवॉइड, प्लीज अवॉइड. इट इज नॉट एन एनर्जी डेफिनेटली, विच वी कम टू नो वेरी लेटर पार्ट, बट नीड टू ट्राई टू कम आउट ऑफ इट एज मच एज यू कैन, एंड स्पेशली द गर्ल्स, इफ द यंग गर्ल्स आर. एल्कोहॉल लाइक वी से फॉर पार्टी समटाइम, बट what happens, you know, once you have a taste of it, it is again the thing which you get used to of it. How many knows about the probiotic drinks? Kombucha, aapne suna? Kombucha? Probiotic? Yeah? If you really want to have an energy, take a probiotic drink. Take kombucha. There are 3 types of kombucha. Is one green tea kombucha, one is a pineapple, that's a fruit, and one is a vegetable kombucha. If you really want to have energy, why we do celebration? It's for the fun. Why we take alcohol many of time? For the energy. So we can go for the probiotic, which is very nice. I can see some smiles on the face over there. So we can toast it later. Oral contraceptive, we have spoken. You know what is HRT? The best resource is a human resource. The best resource in the world. The most powerful resource is a human resource. लेकिन HRT कुछ अलग है. आपने HRT सुना है? कितने लोगों ने HRT सुना है? हेयर स्ट्रेटनिंग, परमिंग, कर्लिंग वो सब आ गया, द ऑलमोस्ट वन घर छोड़ के हो गए. HRT अब नया आएगा. सेलिब्रिटीज आर डूइंग दी HRT. इट इज लाइक वेन यूर 50s, यू आर ट्राइंग टू लुक लाइक अ 30. वेन यू आर 30s, यू आर ट्राइंग टू लुक लाइक अ 20. माइकल जैक्सन वॉन्टेड टू लीव 150 ईयर्स, सबको पता है 150 साल जीना चाहता था. सो वॉट ही डिड, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, खुद को तरुण यंग यूथ दिखाने के लिए हार्मोन्स को चेंज करते रहे. सेलिब्रिटीज आर डूइंग इट एट देयर ओन रिस्क, मेनी ऑफ देम आर रियली टेकिंग. ये बहुत सून विल बी टचिंग इन इंडिया बिकॉज एवरी वन वॉन्ट्स टू, लाइक आई एम ऑन 50s, आई एंजॉय माई 50, आई एम ऑन 60s,
इंडियन पीपल आर लाइक दैट कि अगर 20 का है तो 20 का है, मैं 40 का है तो 40 का है, 60 का है तो 60 का है, थोड़ा सफेद हो जाएगा काला करके, फिर 70 में सफेद छोड़ दूंगा. वी आर रेडी टू एक्सेप्ट आवर एजेस और वी ट्राई टू डू स्मॉल चेंजेस इन दैट. थोड़ा कलर विलर ये वो करके स्ट्रेटनिंग फॉर्मिंग कलरिंग वो करेंगे, लेकिन वी डोंट गो फॉर दी एचआरडीज, वी नॉट. एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन योर यंगस्टर्स कम्स टू यू व्हाई आई एम डूइंग इट. व्हेन योर यंगस्टर कम्स टू यू एंड दे से आई वांट टू गो फॉर एचआरडी, इट इज अ ग्रेट अलार्म, ग्रेट अलार्म. इट इज अगेन अ हार्मोन imbalance. You need to understand that may come into the market, that you may face your boyhood come say, मैं 25 का हूँ लेकिन 15 का दिखना चाहता हूँ, like a Korean scheme. Youngsters wants to do that. Korean scheme चाहिए ना, but it doesn't happen. It is your disturbance. That's whole grain. कितने लोग हैं? This year is known as a micro grain. सबको पता है? इंडिया इज डिक्लेयर एज अ माइक्रो मिनी मिलेट ईयर, वो डिक्लेयर किया है, पता है सबको? कितने लोग हैं चपाती खाते, हर रोज चपाती खाते, चपाती सब लोग. कितने लोग हैं भाकरी खाते, हर रोज भाकरी, बाल भाकरी. चपाती इज इजी टू मेक बट डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट. And if that digested also, you have to use that energy immediately in 2-3 hours time. If you have not used that energy, it is converted in sugar and your blood sugar. But bhakri is little dice, thoda banane mein gadbad ho sakti hai. But digestion mein gadbad nahi karti. Wo aapka digestion barabar rahe hai. You know, Japanese, Korean, Chinese people, sote vakt bhi ekdam khushpal rehte. That's because of their proper grains, vegetables and fibrous substances, what they eat every day. Their bowl of meat, important for them. तो आज से क्या करेंगे? भाकरी खाएंगे, चपाती खाएंगे, ज्वारी नाचनी या मेथी खाएंगे, बाजरी. What about rice eaters? A rice, you can take it in the morning. See, it is not of anything. अगर साउथ इंडिया देखोगे तो दे आर मोर इन टू राइस. उनके पेट में आपको ज्वारी बाजरी नाचनी गेहूं कुछ नहीं मिलेगा. बट इफ यू सी देयर लाइफस्टाइल, इफ यू सी देयर लाइफस्टाइल, एक जगह पर बैठे हुए आपको नहीं दिखाई देंगे. वॉट एवर एनर्जी यूर टेकिंग, लाइक योर मोबाइल योर चार्ज, आपने आपका लैपटॉप चार्ज किया, लेकिन अगर उसको यूज ही नहीं किया तो वो 2 घंटे के बदले आपको 8 घंटे सफाइज होगा दैट एनर्जी. It is same like that. You take the energy, but if you don't make use of that, it's useless. It's gathered, it gets stagnant, and then the clots and the disturbance then happens over there. तो वो जो चावल है, it is a requirement of your bowel. सुबह का लो. You use that energy whole day. आपने सी बकथॉर्न सुना है? सी बकथॉर्न fruit. You heard? Are you consuming it? You used to. Why did you consume it? For art, if you don't. Okay. Sea buckthorn, ye Himalayan Sanjeevani kaha gaya. Yeah? It is good source for the omega 3, 6, 7 and 9. Yeah? It gives you antioxidants. It gives you bigger cells, many of vitamins itself. And ye aapke body ko amrut ki tarah Sanjeevani deta. अमृत की तरह. बट इट इज लाइक यू नो, इट इज स्पेसिफिक. आपको 2 महीना ही लेना है, उसके ऊपर नहीं लेना है. अगर आपका ब्लड पतला होने का, खून पतला होने का गोली चालू है, यू आर नॉट सपोज टू कंज्यूम दैट. बट इट इज अ वेज सोर्स ऑफ ओमेगा टू योर बॉडी. और ये जो चाइनीज कोरियन यूएस गर्ल्स है, दे आर वेरी स्मार्ट इनफ. आपको सब टीवी पे एडवर्टाइजिंग मिलेगा, लेकिन खाएगी ये सी बकथॉर्न. Because that doesn't harm your body. It doesn't have side effect. It supports your body. तो वो smart thing है, दिखा मराठी मन है, दाखवायचे आणि खायचे, दिखाने का एक और खाने का एक. सो सी बकथॉर्न विच इज antioxidant to your body. Whole grain, yeah, meat and fish. कितने लोग हैं fish खाते? मछली 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 खाते? Enjoy that? कितने लोग हैं जो chicken खाते?
cock-cock. Yeah? So tomorrow is a Wednesday. You know what that cock comes from? When you, next time you have chicken, you'll remember me. Kukuta palan, I'm so much a kukut palan. Digestion here, it takes 4 days. So, wo kukut palan jo bahar karta hai, wo aap khane ke baad pet mein 4 din karte. After consumption of chicken, you don't feel like hungry. Wo hunger kyun nahi hota hai? Because that chicken who has not seen the sunshine, जिसने सूर्य प्रकाश ही नहीं देखा है, एनर्जी ही नहीं देखी है, वो आपको एनर्जी देगी क्या? इट्स अ क्वेश्चन. या फिश इज विल हेल्प यू आउट बिकॉज वो समुद्र में है, नेचुरल रिसोर्स में है और उसने एनर्जी देखी है. सो दैट विल गिव योर सोर्स, दैट विल बी योर एनर्जी सोर्स. बट मीट के पास से अपेक्षा मत रखिए. इट इज योर ओनली साइकोलॉजिकल फीड एंड इट इज योर ओनली साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन. इट मे टर्न जो कॉक जो आप ये बोलते हो कि चिकन जो बोलते हो, तो वो चिकन जिसने एनर्जी नहीं देखी है बट हैज गॉट इंजेक्शन विच इज लाइक यू नो कंजर्व इन अ वेरी प्लेस और उसको अगर आप खा रहे हो तो इट इज अगेन अलार्म दैट मे गिव यू अ डिसऑर्डर. इट इज अ लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर. इफ यू सी द यंगस्टर्स द चिल्ड्रन who are having, I'm not against any food, but who are having the shawarma or jo bhi Chinese ya jo bhi very frequently they are consuming, the digestion power has gone down because they have absolute tough giving the digestion power. Obesity again gives you 200% chances of getting the cancer. So we need to be really controlled with our obesity. Aapke sharir ko jitna move kar sakte. Japanese lives a very healthy lifestyle just because वो दो तीन चीज के लिए बैठते हैं, to pee, to pot and to feed them. Otherwise they are like a bouncy. जितना आप कम बैठ के काम करोगे, कम बैठ के, और if you are on a one place, keep on moving yourself 40 minutes, 1 hour, डेढ़ घंटा, खूब उठो, defrost yourself, come back to your chair. You can keep yourself young. Genetic, BRCA1, BRCA2, these are the tests. If you have anyone in your family who has gone through cancer, please I request you कि ये test करना बहुत जरूरी है, like you may get it in the future or not. One example I will give, I was giving a session, after the session that lady said, अगर ये session मुझे मिलता था पहले, I would have got alert, क्योंकि उसके फादर इन लॉ को कैंसर हुआ था एंड शी वेंट ऑन टेकिंग द टेस्ट फॉर हस्बैंड हर सिस्टर इन लॉ एंड हर ब्रदर इन लॉ एंड शी फॉरगॉटन वन पर्सन एट होम दैट वाज 12 साल का बेटा एंड व्हेन ही हैड टू गो टू द टाटा फॉर द ट्रीटमेंट एंड ऑल देयर शी स्ट्राइक अरे इधर हम गलत हो गए. सो यू नीड टू बी रियली केयरफुल, यू नीड टू गो थ्रू योर जेनेटिक चेकअप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सिस्ट, फाइब्रॉइड्स ये पहले भी होते थे. दीज आर द नटी नॉट्स विच कम्स इन द बॉडी. इट इज योर फूड, इट्स योर लाइफ स्टाइल, योर डाइट, एवरीथिंग गेट्स रीड ऑफ इट. आपका वेलनेस है जो इसको यहां से निकाल देगा. सो वी जस्ट गो थ्रू अ सिंपल स्क्रीनिंग. ये जो फ्रूट बास्केट है इसमें जो चेंजेस देखते हो तो वही चेंजेस आपको प्रेस में मिलते हैं. तो यू नीड टू बी रियली अलर्ट. एक सिंपल स्क्रीनिंग आपको मैं बोलती हूँ. ऊपर वाले ने आंखें समान दी है, द आईज आर सेम, इयर्स आर सेम, हैंड्स एंड लेग्स एवरीथिंग सेम, नथिंग ऑफ लाइक अप्स एंड डाउन्स, स्मॉल एंड बिग सब इक्वल दिए. सो एवरी मंथ द फिफ्थ डे ऑफ योर पीरियड्स और अ बॉय एनी डे ऑफ द मंथ और अ लेडी विद द मेनोपॉज एनी डे ऑफ द मंथ, नहाने के बाद आफ्टर योर बाथ टेक योर हैंड्स अप इन फ्रंट ऑफ द मिरर. इफ यू फाइंड योर ब्रेस्ट इन समान तराजू इक्वली दिखाई देते से थैंक्स टू मी. इट इज वेरी सिंपल स्क्रीनिंग. अगर कुछ डिस्टर्बेंस है, एनी डिसऑर्डर इज देयर, द ब्रेस्ट विल गो थोड़ा अप्स एंड डाउन्स होंगे. अगर वो चेंजेस आपको दिखाई देते यू नीड टू कंसल्ट योर मेडिकल पर्सन. आपका जो फैमिली डॉक्टर है उसको आपको कंसल्ट करना है, या तो आपकी मदर, फादर, फ्रेंड जो भी है, यू नीड टू स्पीक अबाउट इट. लेकिन अगर वो बैलेंस है, तराजू की मार्फत एक लाइन में है,
So we need to say thanks to Uparvala. Screening simple and very initial stage, you can catch up with that. Safed, pila, neela, any discharge is okay. But if you find red discharge for a male and female on your undergarments, you need to be alert. You need to have a medical checkup. कितने लोगों को मेमोग्राम मेमोग्राफी पता है? Almost, yeah. मेमोग्राफी मेमोग्राम why it's important? Thanks to technology, thanks to science for it. 2 साल पहले जिस अभी बारिश होगी तो हमको पता चलता है काले बादल आ जाते हैं तो हम कहते हैं ना अभी बारिश होगी या सो वैसे ही काले बादल 2 साल पहले आते हैं तो पता चलता है कि इनिशियली वी आर गोइंग टू एंटर द ब्रेस्ट कैंसर ऑफ माउथ. मैमोग्राफी मैमोग्राम इज लाइक अ सोनोग्राफी ऑफ योर ब्रेस्ट एंड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेन यू आर टू 40, 45, 50s में हो थोड़ा भी डिस्टर्बेंस है. मैनोपॉज है स्त्रीत्व येताना आणि स्त्रीत्व मावळताना बोथ टाइम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट वेरी क्रुशियल टाइम फॉर अ लेडी. सो वेन यू आर लैंडिंग फॉर योर वुमनिज्म अगेन इट इज गोइंग टू बी अ टफ टाइम. अगर वहां पे आपने मैमोग्राम किया है अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होते हो यू कैन गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन फास्टर. सो मैमोग्राफी विच कैन गिव यू अ रिजल्ट वेदर वो काले बादल आने वाले हैं कि नहीं 2 साल पहले. हैव अ क्लियर आइडिया ऑन दैट या इट्स पेनलेस. जो लाइफ बचना है तो इट इज डेफिनेटली पेनलेस. हाँ दिस मंकी ऑल्सो कैन सी इट दैट डेंस. थैंक्स टू संदीप बिल्के सर 94 एज लेडी केम टू हिम विद द ब्रेस्ट कैंसर एंड ही हैड आस्क्ड हर कि क्या करना है नॉट निकालनी है कि ब्रेस्ट निकालनी है. क्या आंसर 94 एज यू नो दिस इज अ प्राइड ऑफ द लेडी और अ प्राइड ऑफ अ मैन. तो सिर्फ नॉट निकालना वो इम्पोर्टेंट है नॉट द ब्रेस्ट. बिकॉज इफ यू रिमूव द ब्रेस्ट आपके पहचान में कोई भी अगर औरत या आदमी है जिसका ब्रेस्ट निकाला है यू नो दैट्स साइकोलॉजिकल इफेक्ट. वी डोंट वांट टू गो इनटू सोशल लाइफ दे हाइड देमसेल्फ. एक खालीपन महसूस होता है उससे भी ज्यादा उनको एक हाथ ऊपर करने को नहीं होता. इट इज अ टोटल डिसऑर्डर ऑफ द बॉडी हो जाता है उनका डाइजेशन उनका साइकोलॉजी एवरीथिंग गेट्स डिस्टर्ब. तो वो नॉट निकालना आसान है ब्रेस्ट निकालना आसान नहीं है. ही डू द सेम थिंग एट द एज ऑफ 94 ऑल्सो ही प्रोटेक्टेड द मदर्स दैट प्राइड और ही गॉट ब्लेस्ड विद इट. ही डिड मेनी ऑपरेशंस फॉर द लेडी मी तो म्हणे मातृत्व जितने भी मदरहुड सेव कर सकते उतने मदरहुड उन्होंने सेव किए हैं एंड ही जस्ट गॉट ऑनर्ड विद इट. इट्स नॉट इजी टू एम्प्यूट योर ऑर्गन एंड थ्रो इट. आसान नहीं है दो यू हैव मनी टेक्नोलॉजी जो भी है इट इज अगेन अ पेनफुल थिंग. ओके महिमा चौधरी नाम सुना है एनीवन? सबने सुना है शी इज अ बॉलीवुड एक्ट्रेस एवरीवन लाइक्स मूवी. हाँ इन्होंने एनुअल चेकअप कितने लोग एनुअल चेकअप करते हैं एनुअल चेकअप. राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू इट्स योर अप्रिसिएशन क्योंकि यूएस में सर्वाइवल रेट 97-98% है बिकॉज ऑफ द एनुअल चेकअप. हमारे पास लेडीज जाओगे नंतर बोलो जाने तो अभी क्या है थोड़ा और बढ़ जाए फिर बाद में देखेंगे. घर को देखना है कुकिंग है ये है. वी गिव अ सेकेंड प्रायोरिटी रादर वी से अ लास्ट प्रायोरिटी फॉर आवर आसल वी पुट इट एट द टॉप एब्सोल्युटली लास्ट प्रायोरिटी ऑफ द लाइफ. डोंट डू दैट. वन बॉय केम विद द काउंसलिंग चेंबूर का रहने वाला है 3rd year ऑफ द इंजीनियरिंग. मदर वॉज अफेक्टेड विद द कैंसर एंड आगरी कुटुंब मतलब आगरी समाज इफ यू मे बी नोइंग इट दे फॉन्ड ऑफ गोल्ड. और उस माँ को लगता था कि अकेला लड़का है तो पूरा ऐसे सोने से सजा हुआ लड़का
So did everything for him. That bracelet, वो chain, वो जितना सोने का बना सकती थी ना, उसने उसको बना के दिया था. She wanted to see him as a gold boy. She was detected with the third stage, converted into fourth stage. Sona bik gaya, ghar bik gaya. And when he had a last paper, she was no more. He was ranked absolutely 93% के हिसाब से जो ranking होता है 9 point के engineering का जो भी he ranked, but last year का fee भरने के लिए पैसा नहीं था उसके पास. So he had to take a gap. आप समझते हो इंजीनियरिंग फोर्थ ईयर में गैप लेना यानी क्या होता है? इट इज अ डिस्टर्बेंस टू द एजुकेशन एंड हिज एचआर उसका जो प्रोफाइल उसका जो रेज्यूम है दैट्स गॉट टोटली मिसिंग. ही अपीयर्ड ही पास्ड बट अगर उस वक्त लाइफस्टाइल को प्रायोरिटी देती शायद वो सोना या घर या व्हाटएवर तो शी वुड हैव बीन ऑल्सो सर्वाइवल और शायद उसका भी वो प्रोफाइल डिस्टर्ब नहीं होता था. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. शी हैड गॉन फॉर हर एनुअल चेकअप. शी वाज डिटेक्टेड विद सस्पेक्टेड विद इट. बहुत नॉमिनल ट्रीटमेंट के हिसाब से उसका सर्वाइवल हो गया. उसको रेडिएशन कीमो, यू नो रेडिएशन कीमोथेरेपी, हैव यू हर्ड अबाउट इट? इट इज लाइक ज्वालामुखी को टच करके वापिस आना. तो उसको वो लेना नहीं पड़ा. वेरी अर्ली स्टेज शी गॉट डिटेक्टेड एंड शी इज सर्वाइवल एंड अ हेल्दी सर्वाइवल. कुछ भी आपको फील होता है विच इज अनयूजुअल यू नीड टू कंसल्ट. ये जो हाथ का भाग है वी ऑलवेज से द पेड दिस आर द पार्ट ऑफ द हैंड विच इज वेरी सेंसिटिव. व्हेन यू शेक हैंड विद समवन you actually touch this part and you know the you feel the warmness of it and you understand ki that person is happy to meet you or not. Wohi part jo finger ka ye part hai it is one of the very sensitive. If you used to check that your knots hai ki nahi, gaat hai ki nahi, it will give you chota sa chota gaat bhi aapke haath ko lag sakta hai. Jaise rice ki goni mein marbles rakhe hai to usko aap dhoondoge to wo aasani se यहीं पे मिल जाते. सो यू कैन यूज दैट पाम साइड. इट्स वेरी सेंसिटिव पार्ट ऑफ द बॉडी. रेज योर आर्म्स एंड चेक इट अप. दिस वी डू अ स्मॉल स्क्रीनिंग लिटिल थोड़ा एक प्रैक्टिस एक दो मिनट का है बाद में कर लेंगे. ब्रेस्ट शुड बी राइजिंग अनली. वेरी सिंपल थिंग. यू कैन डू इट एट होम विदाउट एनी लेबोरेटरी. यू कैन चेक अप योर नॉर्मल. Yes. Your even armpit has to be checked well. Yes. If you have difficulties कि आपको चेकअप करना नहीं आता है स्क्रीनिंग में, if you are feeling difficult, you are not sure about it, take a help of the medical. जो साइंस में एक्सपर्ट्स है, हम कहते हैं ना जिसने देखे है लाखों हंसी उसकी नियत खराब क्या होगी. सो वैसे ही द डॉक्टर्स आर द एक्सपर्ट्स, द काउंसलर द नर्सेज आर मोर एक्सपर्टेड actually feel faster than you. So take their help because they are more experienced, they are more knowledgeable, they are more open in the market to understand ki ye hai ke nahi hai. So take their help. Breastfeeding, very important. 2.5 years of the baby has to be fed. Exercise, your fibrous substances, your low fat, your exercise, everything matters a lot. Your lifestyle matters a lot in this. So home tech messages, if it's detected early, you can protect yourself. Self-examination regularly is very important and your mammogram is important when the menopause is going on. Consult your doctors, consult your family, friends, consult your family doctors, show be experts and you feel comfortable with them, talk about it, start talking about that. When you are 20s, you need to understand your hormone, your happy hormones, your balanced hormones is very important. When you are 13s, you are struggling with your career, your children, your marital life, everything, very important. Remember, earlier, the marriages were early. We always say, the marriage has to be before 25, the
the first baby also has to be before 25, the second baby has to be before 30. लेकिन आज उल्टा हो रहा है. वी आर मोर कंसर्न फॉर अवर करियर, सो 30 के बाद का ही बेबी होता है एंड दैट इज अगेन अलार्म फॉर द ब्रेस्ट कैंसर. लेट मैरिजेस, लेट फर्टिलिटी गिव्स योर इनफर्टिलिटी ऑल्सो. तो आपको दैट यू नीड टू कंसर्न, यू नीड टू प्लान योर मैरिटल स्टेटस, यू नीड टू प्लान योर बेबी प्रेगनेंसी बिफोर 30 इफ यू वॉन्ट अ हेल्दी नेक्स्ट जनरेशन. When you are 40, is an alarm to you. There are major changes happen in the human body, especially ladies. जैसे मैंने कहा, महिला ये रासायन का कारखाना है, yeah? It is like every second your ups and downs are there. So you need to be very careful. Your mammogram, your mammography, your hormone changes, everything has to be really checked on this. Kandivi, one college I did for the student the same presentation. For IT last year students. That time, pura hall khachakach bhara tha. The all students were standing and all. I could see in between ek ladka jo khud ko chhipa, because you know children were pura pack hall tha. So he was hiding, but I could see his crying. Session hone ke baad, maine us bachche ko, because after session immediately I had gone and checked with that boy. He was not knowing about menopause. When I spoke about menopause, then he said, "Aaj tak meri maa, main jo chahta tha, wo sab deti thi. Lekin pata nahi kya hua ki she's behaving very weird with me. Jo kal tak main uske liye lalla tha, laddu gopal tha, aaj main thoda villain ho gaya." After this session, he understood. कि पहले आपको मां की जरूरत थी, आज मां को आपकी जरूरत है. एंड यू नीड टू मेक श्योर दैट योर गर्ल, वी रियली टेक केयर ऑफ द गर्ल सो मच बिकॉज शी गेट्स मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स ये, लेकिन बॉयज को अगर नहीं ट्रेन किया, इट इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट. लेटर ऑन ही कॉल्ड अप ऑल्सो, नाउ आवर रिलेशन इज बेटर बिकॉज आई अंडरस्टूड her requirements. Earlier she understood my requirements, now I am understanding her requirements because there is so much changes in the body. Wo career mein hai aur ye apne menopause mein hai, landing of her hormonism. So you need to, everyone is going, understanding what I am saying? Yeah? Please make sure that your family understand importance of menopause, the landing of hormonism. स्त्रीत्व येता ना जितक गोंजारल जात, स्त्रीत्व जाताना सुद्धा तेवढंच इम्पॉर्टंट. सर राधा, आय वुड से यू नीड टू टेक मोर केअर वेन यू आर लँडिंग ऍट दॅट टाइम. 60s, यु नो आउट ऑफ 100 ओनली लकी 11 लँड्स टू द 60s. जितने भी लोग 60s अपना वी से वी टीज देम, अभी सीनियर सिटीजन हो गए, we say that they're non senior citizen, they're young citizen, because out of 100 there are only 11 who survived. And menopause ka jo effect hai, hormones ka effect hai, wo is lady pe chup jata hai, and that time we take her really granted. We need to understand the male and female also of 60s. Sathi nati mantla jato, again we need to understand they require emotionally, psychologically more. Must support the normal food with the superfood. Jitna bhi aap normal food kha rahe ho, it is only 30% is getting into your body. Because 70% you will find it in your urine, morning, aapke discharge mein aapko mil jayega. Air is polluted, water is polluted, your food is also contaminated. तो आपको सुपर फूड का सपोर्ट देना ही पड़ेगा. यू गिव अ सपोर्ट ऑफ आयुर्वेदा और यू गिव अ सपोर्ट ऑफ एंटीबायोटिक, इट्स योर चॉइस. बट इमरजेंसी में एंटीबायोटिक्स भी तभी काम करेंगे व्हेन योर बॉडी इज रेडी. कोरोना वी अंडरस्टूड, हूसोएवर हैज सपोर्टेड द इनर इम्यून सिस्टम हैज सर्वाइव, अदरवाइज वो एंटीबायोटिक, वो मेडिसिन, वो हॉस्पिटल कुड मेक देम सर्वाइव. So thanks to it, it's a small lighting for us.
and it's a celebration for the survivors. It is not easy when someone goes through cancer. It is a very deadly name, but it was not earlier. Prachin kal mein wo nahi tha. When we got freedom, only 25 CR population was there. Aaj ka kitna population hai? We've crossed China also. What? Land, jo agriculture land wohi hai. In fact, kam ho gaya. Because our staying, jo vastra nivara, jo nivara hai, shelter hai, the agriculture land has converted into shelter. To jo itna sa population tha, wo bad gaya. But even the agriculture land has shrink. तो जो फूड आपके पास आ गया है वो सब खाद फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स वो सब डाल के प्रोसेस करके फूड आ रहा है. सो यू नीड टू रियली टेक अ अलार्म कि आपके लाइफस्टाइल में आपको चेंज करना है, आपके फूड स्टाइल में डाइट में आपको चेंज करना है. आपको उधर चेंज नहीं किए तो इवन द मेडिकल साइंस विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू आउट. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. We need to have the volunteers more talking about it. In among yourselves only, when you have a community gathering or anything, when social gathering, start talking about it. Your lifestyle is very important. And yes, in a Pahile Maa Se Karta Bhi also, we welcome you as a volunteer. We need to have more team, we need to have more people to speak about it. It is a requirement of the time, it's a need of the time. We need to understand, because if we understand, the next generation would understand. Aapne Rani Makhi dekhi, Rani Mashi, yeah, Queen Bee, yes, and Sadi Mashi, matlab normal house bee, yeah, wo gandagi hai na, wahan pe jaake baithe. Agar pura sharir saaf sutra hai, wo chhod ke wo gandagi pe jaake baithegi. But Rani Makhi jo hai na, that sits, wo sangat us cheez ki karti hai, jo best to the best flower mein sakti. And she generates, she makes, develops such a community jo shahar banata hai. So khud ko bhi aur samaj ko bhi upyogi. For the society also we love, because shahar is one of the beautiful diet for your body. So we can have that good team which can generate the develop a good team for us also, and we can deliver the best to the best to the society also. Katha sunni ko achhi lagi. कितने लोगों की कथा सुनना चाहिए. बिकॉज मैंने वन आई टेक सेशन सेमिनार आई ऑलवेज एक कथा से संपन्न करती हूँ. तो अगर आपको कथा चाहिए तो डेफिनेटली आई वुड से फॉर 2 मिनट्स. कथा चाहिए. सहस्र नामावली होती है, विष्णु सहस्र नामावली, पता है आपको? विष्णु सहस्र नामावली का जो सेशन चल रहा था, तो जो पंद्रवड़ा या सप्ताह चलता है, तो वो पंद्रवड़ा चल रहा था और वहां पे भव विष्णु सहस्र नामावली सुनने को आ रहे थे. वो विष्णु सहस्र नामावली होने के बाद दे यूज्ड टू गिव द प्रसाद, महाप्रसाद होता था. तो जो महाप्रसाद का लाइन लगता था ना, क्यू होता था, तो उसमें से एक भक्त है ना, बहुत आगे पीछे करके आगे चला जाता था और प्रसाद लेके निकल जाता. Everyone used to get very disturbed. कि प्रसाद तो सबको मिलेगा, इट इज वेरी एम्पल प्रिपेयर्ड कि आपको नहीं के बचेगा भी. बट स्टिल दैट भक्त वॉज रियली वेरी नॉटी एंड लाइक यू नो ही वॉन्ट्स टू हैव बिफोर इट गेट्स ओवर, बिफोर एनी वन एल्स गेट्स, आई वॉन्टेड टू हैव मोर. तो वो झट कर से वो क्यू में से आगे आगे धक्का धुक्की करके आगे लेके प्रसाद लेके चल जाता था. तो वहां के जो गुरु थे, गुरु बंधु थे, तो हर रोज उसकी वजह से डिस्टर्ब होते थे. वो लाइन को वो डिस्टर्ब कर देता था, तो उसको समझ में नहीं आता था इसको कैसे कंट्रोल करे. तो एक दिन उसको पकड़ लिया और बड़े गुरु के पास उसको लेके गए. बड़े गुरु के पास जब लेके गए तो उन्होंने कहा, एवरी डे इज कमिंग डूइंग द विष्णु सहस्र नामावली, प्रसाद के वक्त ये बहुत गड़बड़ गुंदड़ करता है और प्रसाद लेके भाग जाता है. जो महागुरु थे तो उन्होंने उनको कहा कि ऐसा क्यों कर रहा है तू? तो बोला, नहीं मुझे वो प्रसाद चाहिए रहता, खत्म हो गया तो. He's scared of that. He wants to have it. तो खत्म हो गया तो क्या होगा? तो
तो उस महागुरु ने कहा कि तू सहस्र नामावली के लिए आता है, तुझे सहस्र नामावली सुनी है? तो बोला हाँ, मैं हर रोज आ रहा हूँ, लगभग 8-10 दिन हो गए और 10-15 दिन और 4-5 दिन बाकी है। तो बोला विष्णु सहस्र नामावली में पांचवा नाम क्या है, आपने सुना है क्या? आपने सुना है, किसी को पता है विष्णु सहस्र नामावली में पांचवा नाम क्या है? एनीवन? तो उसने कहा हाँ मैंने सुना है, लेकिन उसका क्या? तो बोला अगर तूने विष्णु सहस्र नामावली में पांचवा नाम सुना है तो ये गड़बड़ कभी नहीं करता, तो कल अच्छे से सुन फिर डिसाइड कर ये गड़बड़ करने की जरूरत है क्या। नेक्स्ट डे व्हेन ही कम्स इज वेरी पीसफुली वो विष्णु सहस्र नामावली सुनता है, वो पांचवा नाम सुनता है और अच्छे से लाइन में प्रसाद लेके घर पे चला जाता है। उसके दूसरे दिन बाद वो उधर आना ही बंद कर दिया।